मोहम्मद मुसल्लम बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। चिकन हम लेंगे 1 से 1.5 किलो, और उसके अंदर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद हम दही लेंगे 1 प्याली, सिरका लेंगे 3 से 4 चम्मच, लीमू का रस लेंगे 2 लीमू लेंगे, उसका रस निकाल लेंगे। आगे मसालों में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप देख सकते हैं। नमक हम लेंगे 1 से 1.5 चम्मच, बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाला हम 1 चम्मच लेंगे, काली मिर्च हम 1/2 चम्मच लेंगे, सूरख मिर्च लेंगे हम 1 चम्मच, और धनिया पाउडर लेंगे हम 1 चम्मच। उसके बाद हम लेंगे फूड कलर, लेंगे रेड कलर लेंगे 1/2 चम्मच, और ऑरेंज कलर लेंगे हम, वो भी हम 1/2 चम्मच ही लेंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम 1 प्याली लेंगे, उसमें हम दही लेंगे, उसके अंदर हम सारे मसाले ऐड करेंगे, गरम मसाला, काली मिर्च, लाल मिर्च और धनिया पाउडर लेंगे। उसके बाद हम नमक डालेंगे, नमक हम पूरा नहीं डालेंगे, टेस्ट करके डालेंगे आधा। उसके बाद हम इसमें फूड कलर डाल लेंगे, लीमू का रस, उसके बाद हम सिरका डालेंगे 3 से 4 चम्मच। सिरका मुर्गी को गलने में मदद देता है, इसलिए हम इसमें सिरका ऐड करें ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। और अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक खुले से बर्तन में मुर्गी रख लेंगे, अब हम इसमें मसाला लगाएंगे। जब हमने मसाला तैयार किया था, अब हम इसमें लगाएंगे। जो हमने कट लगाए थे हम उसमें अच्छे से मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से मसाला लगा लेंगे सारी मुर्गी को। अंडे भी इसी तरह लगाएंगे। अब हम बाकी का जो मसाला बचा है हम उसको इसके अंदर फिल कर देंगे। इसके ऊपर लगा देंगे। सारा मसाला तकरीबन हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से कवर लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि सारा मसाला मुर्गी में अच्छे से जज़ब हो जाए। जब 1 घंटा हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मुर्गी को रखे हुए 1 घंटा पूरा हो चुका है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हम मुर्गी को स्टीम फ्राई करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसके नीचे आग चला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। अब हम ऑयल को ऐसे फैला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक डालेंगे, अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए।
देख सकते हैं लहसुन अदरक ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, हम इसमें मुर्गी ऐड कर देंगे। जब हम मुर्गी ऐड करेंगे तो हम इसके टांगों को इस तरह से धागे के साथ बांध देंगे और इसको स्टीम फ्राई होने के लिए रख देंगे। इसको स्टीम फ्राई होने के लिए ढांप के रख देंगे हम। हमने इसे अच्छे से ढांप दिया है और हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे स्टीम फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि हमने 10 मिनट के लिए इसे ढांप के रखा हुआ था स्टीम फ्राई के लिए। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए फिर से पकने के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब हम फिर से 10 मिनट के लिए रखेंगे। हमारी मुर्गी स्टीम फ्राई हो रही है। हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और इसे हम हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख देंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन स्टीम फ्राई हो चुका है और दूसरी तरफ हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है और अब हम इसको ऑयल में डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं हमने इसकी साइड भी चेंज करके देख ली है और ये अच्छे से स्टीम हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए अब हम इसे ऑयल में ऐड करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि अब हमने इसे फ्राई करने के लिए ऑयल में ऐड कर दिया। अब हम इसे 5 मिनट के लिए एक ही साइड पे पकाएंगे, आग हम हल्की कर देंगे। फ्राई कर रहे हैं, अब हम थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके ऊपर डालते जाएंगे ताकि मूंग अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हमने इसकी साइड चेंज कर दिया है। अब हम साइड चेंज करके इसे थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे। आग हम हल्की ही रखेंगे, आग हम ज्यादा तेज नहीं करेंगे, हम हल्की आग पे ही इसे फ्राई करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा मूंग मसल्लम तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि हमारा मूंग मसल्लम तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर ट्राई करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आप बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।